तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, सादा सूजी की इडली तो आपने बहुत खाई होंगी। आज हम उन्हीं सूजी की इडली में थोड़ा कुछ यूनिक करते हैं। उन्हीं सूजी की इडलियों को हम कुछ आज डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को मैश करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पनीर। तो देखिए, यह मैंने एक कटोरी पनीर लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। पनीर को डालकर आलू में मिक्स करते हैं। इन सब के बाद हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी भर हींग, स्वाद अनुसार नमक। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इस चमचे को हम निकाल देते हैं और हाथों से अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला की जगह आप चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर मैगी मसाला का यूज़ किया है क्योंकि मैगी मसाला ही ज़्यादा बच्चों को पसंद आता है। अब मैगी मसाला डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं हम एक बड़ा सा बोल। अब बात आती है सूजी की कि हमको सूजी कितनी लेनी है। यहाँ पर हम एक छन्नी रख लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1/2 kg सूजी ली है। मैंने पूरी 1/2 kg की ही पैकेट मंगा ली थी, पर आपको मेज़रमेंट करके मैं दिखा देती हूँ कि आपको सूजी कितनी लेनी है। तो 1/2 kg में हमारी 4 कटोरी सूजी निकली है। अब इस सूजी के हिसाब से ही हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 4 कटोरी सूजी ली थी, तो 4 चम्मच ही हम बेसन लेंगे। अब इन दोनों को हम मिक्स करके छान लेते हैं। अब इनको छानने के बाद अब हम इसमें लेंगे दही। जितनी हमारी सूजी थी उतनी ही हमको दही लेनी है। तो दही को हमने छन्नी में डाल दिया है और इसको हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो देखो, छन्नी में से अच्छी तरह से दही निकल चुकी है। तो देखिए, हमने दही को अच्छी तरह से छान लिया है। अब बारी आती है इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच सोडा डाल दिया है। इसके बाद हम 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है और आखिर में 2 चुटकी भर हींग डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब उसी कटोरी को लेंगे जिसमें हमने दही मेज़रमेंट करके डाली थी, और इसी कटोरी से हम पानी भी मेज़रमेंट करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस बैटर को 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम और तैयारियां कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं इडली मोल्ड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन इडली मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूँ कि हमको यहाँ पर एक ही बार ग्रीस करने हैं, ऐसा नहीं कि हमको बार बार ग्रीस करने हैं। तो मोल्ड को ग्रीस करने के बाद इनको हम साइड में रख देते हैं। अब जो हमने पहले से फिलिंग बना के रख रखी है उसको हम ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फिलिंग की छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे, और ध्यान रहे ज़्यादा बड़ी टिक्की ना होनी चाहिए। तो हम इस फिलिंग की छोटी छोटी टिक्की बना के रख लेते हैं। देखिए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से आप भी बना लीजिए। देखिए, जिस तरह से मैंने बनाई है उस तरीके से ही आप बनाइए। तो देखिए, हमको ऐसी टिक्की बनानी है। अब इनको भी हम कर देते हैं साइड में। अब हम इडली बैटर को भी चेक कर लेंगे। 15 मिनट हमारी हो चुकी हैं, और आपको मैं एक ज़रूरी बात बता देती हूँ, जितना बैटर हमको एक बार में चाहिए वो अलग बोल में निकाल लेते हैं। अब इस बोल में हम इनो डालेंगे, ना कि पूरे बैटर में। यही कारण होता है कि आपकी इडली पहली बार में तो अच्छी तरह फूल जाती हैं, अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाती हैं, और बाद वाली इडली आपकी फ्लफ़ी नहीं बन पाती। तो हमें जितनी बैटर की ज़रूरत है उतना ही बैटर हमें एक अलग बाउल में निकाल लेना है। तो सबसे मेन कारण आपका यही होता है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आप बनाइए। अब इसमें हम ऐड करेंगे इनो। तो मैंने यहाँ पर 1/2 पैकेट इनो डाला है, बचा हुआ 1/2 पैकेट हम दूसरे बैटर में डालेंगे। अब दूसरा मेन कारण है कि आपकी इडली फूलती क्यों नहीं है। याद रखिए, इनो डालने के बाद हमें बैटर एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, और हमको जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं घुमाना है, धीरे धीरे घुमाना है। तो मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है, तभी आपकी इडली फ्लफी बन पाएंगी। अब लेते हैं हम इडली मोल्ट। अब इडली मोल्ट में हम 1/1 चम्मच बैटर डाल देंगे। हमें पूरा मोल्ट नहीं भरना है क्योंकि हमको यहाँ पे बीच में एक टिक्की भी रखनी है।
तो ध्यान रहे एक एक चम्मच इडली बैटर डालने के बाद बीच में रखेंगे हम एक एक टिक्की। हमें टिक्की बीचों बीच में रखनी है, तो जैसे मैं रख रही हूँ आपको भी उसी तरीके से रखनी है। अब इसके ऊपर से हम और बैटर को डाल देते हैं। हमने पहले एक एक चम्मच बैटर डाल दिया था, अब इसके बाद भी हम एक एक चम्मच बैटर को डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको भी करना है। और हम सारे मोल्ड में इसी तरीके से बैटर को डालेंगे, उसमें बीच में एक टिक्की रखेंगे। तो देखिए हमने सारे मोल्डों को तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इनमें स्टीम देने की। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास स्टीमर है तो ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे पास स्टीमर ख़राब हो गया था, तो मैंने यहाँ पर भगोने का यूज़ लिया है। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की ये है कि अगर आप भगोने का यूज़ करें, आप इसे एक बोल से ढकें। अब इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो स्टीम का पानी है वो बीचों बीच ना गिर के बगल बगल में गिरेगा, जिससे कि हमारी इडली अच्छी तरह फूल पाएंगी। अब बात यह आती है कि हमको स्टीम कितनी देर तक देनी है। तो हम यहाँ पर 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे। मैंने 15 मिनट के लिए टाइम लगा दिया है, और ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पे ही आपको स्टीम देनी है। और फिक्स 15 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। और इसको हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी 15 मिनट में एकदम फ्लफी इडली तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुकी हैं, तो हम भगोने से इडलियों को बाहर निकाल लेते हैं और 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पर मेन बात यह आती है कि हमको गरम गरम मोल्ड से इडलियों को नहीं निकालना है। अगर आप गरम गरम इडलियों को निकाल लेते हैं तो ये चिपक जाएंगी। 5 मिनट हो चुकी हैं, अब बारी आती है इडलियों को निकालने की। तो देखिए हमने यहाँ पर चाकू लिया है, चाकू से हम इसकी साइड को छुड़ा लेंगे। तो देखिए हमें चाकू की हेल्प से इस तरीके से इडलियों को निकाल लेना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से इडली निकल के आ गई हैं, और देखिए हमारे आलू की फिलिंग बिल्कुल भी बाहर निकल के नहीं आई है। तो देखिए हमने इस प्लेट में सारी इडलियाँ निकाल ली हैं, और देखिए कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। और मैं इन्हें आपको काट के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी फ्लफी हैं ये इडलियाँ, और आपको अंदर की फिलिंग भी दिख रही होगी। आप ये बच्चों को टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं, और ये बिना सांभर चटनी की भी खाई जा सकती है, और ये सर्व करने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जो भी इसे खाएगा ना, वो आपकी तारीफ़ करते हुए थकेगा नहीं। है ना ये हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो ऐसी ही रेसिपियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कर दीजिए।